फ्रेंड्स सब्सक्राइब करें लेट्स लर्न को और प्रेस करें इस बेल आइकन को जिससे हर एक वीडियो का अपडेट आपको टाइम से मिल जाए. थैंक यू. हेलो फ्रेंड्स, दिस इज हिमांशी एंड वेलकम टू लेट्स लर्न. तो आज है ये सेट टू आपके मिनी मॉक टेस्ट का, जिसमें 15 क्वेश्चन हम डेली करेंगे और ये बहुत एक बेहतर तरीका है. आई थिंक आप लोग को पसंद आए हैं क्वेश्चंस और कुछ अच्छे क्वेश्चंस को आज देखेंगे और स्टार्ट करते हैं. अगर आपने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है अभी तक तो नीचे रेड कलर का बटन होगा, सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि डेली जो भी हम काम करते हैं लेट्स लर्न पर आपको नोटिफिकेशन चला जाए. स्टार्ट करते हैं और देखेंगे क्वेश्चन है ये, लास्ट तक देखें वीडियो, अच्छे क्वेश्चंस हैं कुछ. स्टार्ट करते हैं. गिफ्टेड स्टूडेंट्स आर, मतलब जो आपके गिफ्टेड स्टूडेंट्स हैं, प्रतिभाशाली विद्यार्थी कहें जिन्हें. एंड नॉन असर्टिव ऑफ देयर नीड्स, मतलब कि अपनी जो नीड्स हैं उनकी आवश्यकताओं के प्रति सजग नहीं होते या उनको बता नहीं पाते. सेकेंड ऑप्शन कहता है इंडिपेंडेंट इन देयर जजमेंट्स, जो अपने जजमेंट हैं उनके स्वतंत्र होते हैं अपने निर्णय लेने में. ठीक बात है. थर्ड चलेंगे इंडिपेंडेंट ऑफ टीचर्स, टीचर्स से इंडिपेंडेंट होते हैं, उन्हें शिक्षकों से भी कोई फर्क नहीं पड़ता, बिल्कुल इतने स्वतंत्र हैं. फोर्थ कहता है इंट्रोवर्ट इन नेचर, कि मतलब इंट्रोवर्ट ही होंगे अगर स्पेशल मतलब गिफ्टेड स्टूडेंट्स हैं तो इंट्रोवर्ट ही होंगे, कम ही बोलेंगे, ऐसा कोई रूल नहीं है. तो ये तीनों चारों ऑप्शन आपने पढ़े, आप खुद देखें आंसर कौन सा होगा. बी जो है इसका राइट आंसर है, हम सभी को पता है, मैंने ये क्वेश्चंस कराए भी हुए. इसमें अलग अलग वैरायटी के क्वेश्चंस आपके इंक्लूड हो जाए करेंगे मॉक टेस्ट में, जो मैंने कराए भी हैं और जो कुछ नए भी क्वेश्चन हैं. तो इंडिपेंडेंट इन देयर जजमेंट्स, मतलब अपने निर्णय लेने में स्वतंत्र होते हैं, जो बी ऑप्शन है इसका राइट आंसर है. नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलेंगे. द कार्डिनल प्रिंसिपल ऑफ लर्नर सेंटर्ड एजुकेशन आर, कार्डिनल प्रिंसिपल मतलब एक जो बिल्कुल इंपॉर्टेंट कह लीजिए, उसको आप मुख्य कह लीजिए, जो लर्नर सेंटर्ड एजुकेशन है उसका एक प्रिंसिपल है, उसका एक सिद्धांत है बेसिकली. तो ए ऑप्शन कहता है लर्निंग बाय डूइंग, बी कहता है लर्निंग बाय लिविंग, या बोथ, या इनमें से कोई नहीं. तो जो लर्नर सेंटर्ड क्लासरूम है या एजुकेशन है जिसमें बच्चे को सेंटर माना जा रहा है, वहां पर लर्निंग बाय डूइंग भी जरूरी है और लर्निंग बाय लिविंग भी. तो बोथ जो है इसका आंसर होगा सी ऑप्शन. आगे चलेंगे थर्ड क्वेश्चन पर. डैश इज द कैपेसिटी टू एक्वायर एंड अप्लाई नॉलेज, क्या है ये डेफिनेशन है एक चीज की, मैंने बताया भी हुआ है कि ये कैपेसिटी है नॉलेज को एक्वायर करने की और अप्लाई करने की. पर्सनैलिटी इंटेलिजेंस कहलाएगी, एप्टीट्यूड या एटीट्यूड, क्या है? इंटेलिजेंस क्या है? आपकी एबिलिटी होती है कि आप नॉलेज को एक्वायर कर पाएं और उसको अप्लाई भी कर पाएं जब जरूरत हो उसकी. तो जो बी ऑप्शन है वो राइट आंसर हुआ. नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलेंगे. एडोलेसेंट्स मे एक्सपीरियंस, अब ये सिर्फ लैंग्वेज समझने की बात है इसलिए ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है. एडोलेसेंट्स मे एक्सपीरियंस मतलब जो किशोरावस्था के बालक हैं उनको एक्सपीरियंस हो सकता है, ये नहीं कहा कि होगा ही होगा. ठीक है. ए ऑप्शन कहता है फीलिंग ऑफ सेल्फ एक्चुलाइजेशन, जो सेल्फ एक्चुलाइजेशन की फीलिंग है जो हमने पढ़ा हुआ है, जो हायरार्की है आपकी बेसिकली मैस्लो की नीड्स की हायरार्की, जो टॉप लेवल की नीड है एक फीलिंग ऑफ एक्चुलाइजेशन, जहां पर आप ये देखते हैं हु एम आई, कि मैं कौन हूँ वाला जो क्वेश्चन है आपकी क्वेरी है वो आती है. बी ऑप्शन कहता है फीलिंग ऑफ सेशिएशन अबाउट लाइफ, मतलब कि भर गया मन एकदम फुल हो गया कि भाई बहुत जी लिए, सब कुछ कर लिया. थर्ड ऑप्शन है एंजाइटी एंड कंसर्न अबाउट देमसेल्व्स, कि एंजाइटी उत्पन्न हो जाती है और कंसर्न अपने लिए. ठीक है. डी ऑप्शन कहता है फीलिंग ऑफ फियर अबाउट सिंस कमिटेड इन चाइल्डहुड, मतलब एक डर की भावना प्रकट हो जाएगी जो आपने चाइल्डहुड में बचपन में अपने कुछ गलतियां की हैं उनकी वजह से. ये तीनों चीज़ें बिल्कुल नॉर्मल हैं किशोरावस्था में होना, कि वो सिचुएशन भी फील कर सकते हैं लाइफ के रिगार्ड में, इसलिए बहुत सारी जो आपकी आत्महत्याएं हैं, जितनी भी परेशानियां हैं, तूफान और तनाव वाली जो अवस्था है इसीलिए है, एंग्जाइटी भी है और ये फीलिंग ऑफ फियर भी हो सकता है कुछ अगर गलत हुआ है, इस तरह की जो एक क्या बोलते हैं उसको, जो एक फ्रस्ट्रेशन है वो भी निकल करके आ सकती है. तो जो ए ऑप्शन है वो इसका राइट आंसर है. इन्होंने कहा है मे एक्सपीरियंस, कि हो सकता है एक्सपीरियंस. तो सेल्फ एक्चुलाइजेशन का जो एक्सपीरियंस है वो आपके एडोलेसेंट कर सकते हैं, इनकेस कि उनका एक डायरेक्शन उस साइड रहा हो या कुछ भी कह सकते हैं आप उसको. ऑप्शन ए जो है इसका राइट आंसर है. आपने कल कहा था कि इसको एक्सप्लेन कर देना मैम ज़्यादा, तो आज मैं थोड़ा ज़्यादा एक्सप्लेन करके चल रही हूँ. हाउ अ टीचर शुड बिहेव विद द स्टूडेंट्स, एक टीचर को किस तरह से बिहेव करना चाहिए अपने स्टूडेंट्स के साथ, फादर की तरह के, पिता की तरह, फ्रेंड की तरह, जनरल नॉर्मल एक सामान्य तौर पर, या एल्डर लाइक. अब यहाँ पर सामान्य तौर पर मत लगा देना, फ्रेंड की तरह होना चाहिए ताकि वो अपनी परेशानियाँ अपनी समस्याएं आपको बता पाएं, समझ पाएं, आपसे सीख पाएं. ठीक है. तो बी ऑप्शन जो है इसका वो एक राइट आंसर है. ये दूसरा पेज खुल गया था. बी ऑप्शन जो है इसका राइट आंसर है. नेक्स्ट पेज पर चलेंगे, कुछ आगे के क्वेश्चंस को करेंगे. यहाँ से स्टार्ट होते हैं आपका क्वेश्चन नंबर 6. हु इज रिगार्डेड एज द फादर एज द फर्स्ट टीचर ऑफ अ चाइल्ड, मतलब पहला अध्यापक कौन है एक बच्चे के लिए. तो मदर, ये तो नॉर्मल क्वेश्चन है, सी ऑप्शन इसका राइट आंसर है. आगे चलेंगे. साइन ऑफ क्रिएटिव चाइल्ड इज हिज हर, एक क्रिएटिव चाइल्ड का, एक सृजनात्मक बच्चे का जो एक साइन है वो क्या है, कैसे पहचानोगे? इंटेलिजेंट होगा, क्रिएटिव होगा, मतलब क्रिएटिविटी होगी उसके अंदर, गुड बिहेवियर होगा, गुड मेमोरी होगी.
गुड मेमोरी एक गिफ्टेड स्टूडेंट्स में भी हो सकती है, ज़रूरी नहीं है कि वो बच्चा क्रिएटिव ही होगा जिसकी मेमोरी बहुत अच्छी है। इंटेलिजेंस और क्रिएटिविटी दोनों का ऐसा कोई ज़रूरी नहीं है, मैंडेटरी है कि इंटेलिजेंट होगा तभी क्रिएटिव होगा। ये चीज़ें हम डिस्कस कर चुके हैं, अगर आप लाइव सेशन वगैरह ज्वाइन करते हैं तो आप जानते होंगे। तो जो सी ऑप्शन है इसका राइट आंसर है क्रिएटिव, क्रिएटिविटी जो है उसकी साइन है कि अगर वो सृजनात्मक है तो सृजनात्मकता दिखाएगा। आगे चलते हैं, द रॉ मटीरियल ऑफ थिंकिंग इज, थिंकिंग का रॉ मटीरियल क्या है, मतलब कच्चा सामान क्या है, किस तरह से आप सोचते हैं, किन चीज़ों के द्वारा। सिंबल्स में इंसान है रॉ मटीरियल, मैन मतलब, सिमेंटिक्स या चाइल्ड। सिमेंटिक क्या है, आपका अर्थ विज्ञान होता है कि भाई आप मीनिंगफुली देखते हैं, आप मीनिंग निकाल करके समझते हैं उस चीज़ का। सिंबल्स में सोचते हो आप, रॉ मटीरियल जो है थिंकिंग का वो सिंबल है, चाहे वो लैंग्वेज के सिंबल हों चाहे वो पिक्चर्स हों, सिंबल्स जो है रॉ मटीरियल है आपकी थिंकिंग का, ए ऑप्शन। वॉट इज द यूनिट ऑफ हेरिडिटी, हेरिडिटी की एक यूनिट है क्रोमोजोम, फर्टिलाइज्ड सेल, जायगोट या जीन। जो जीन है वो आपकी हेरिडिटी की एक यूनिट है बेसिकली, एक ही ऑप्शन हम इसमें चूज कर सकते थे, बी जो है इसका राइट आंसर हुआ। विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन एग्जाम्पल ऑफ अ फाइन मोटर स्किल। फाइन मोटर स्किल का मतलब, फाइन मोटर स्किल समझते हैं आप, जिसमें एक तो मोटर स्किल्स आपकी होती हैं फाइन और ग्रॉस। ग्रॉस में क्या होता है, आपकी बड़ी जितनी भी मसल हैं, जैसे आपके पूरे आर्म की मसल है या लेग की मसल है, दौड़ना भागना इस तरह की चीज़ें हो गई। फाइन मोटर स्किल में आपकी छोटी छोटी जो मसल्स हैं उनका कोऑर्डिनेशन देखा जाता है, जैसे कि आप लिखते हैं जब, राइटिंग है, या फिर आप कुछ क्रिएटिव ड्राइंग कर रहे हैं जिसमें आपकी हाथ की छोटी छोटी मसल्स का यूज़ हो, इवन आपकी ब्लिंकिंग भी। तो जो यहाँ पर ऑप्शन देख लेते हैं, क्लिम्बिंग, होपिंग, रनिंग या राइटिंग, ये तीनों ही जो है ग्रॉस मोटर स्किल्स का एक एग्जाम्पल है जिसमें आपकी ग्रॉस मसल यूज होती है। डी इसका राइट आंसर है, राइटिंग क्या है, आपकी फाइन मोटर स्किल है, ठीक है, जिसमें आप छोटी छोटी मसल्स का यूज करते हैं अपनी हैंड की। नेक्स्ट पेज पर चलेंगे, लास्ट कुछ फाइव क्वेश्चंस का सेट और करते हैं। डैश इज द रेशियो ऑफ मेंटल एज टू द क्रोनोलॉजिकल एज मल्टीप्लाइड बाय 100। क्या कहलाता है रेशियो आपकी मेंटल एज का क्रोनोलॉजिकल एज का मल्टीप्लाइड बाय 100। मैंने बहुत बार कराया हुआ है, क्वेश्चन आता ही आता है इससे 110%, मैंने हर एग्जाम में देखा है। इमोशनल कोशेंट, इंटेलिजेंस कोशेंट, बोथ या नन ऑफ द अबव। जो आपका एम ए अपॉन में सी ए इंटू 100 है वो आपका आई क्यू का फॉर्मूला है, इंटेलिजेंस कोशेंट का। इमोशनल कोशेंट मत लगा देना, बी ऑप्शन इसका राइट आंसर होगा। और यही एक स्पेशल चीज़ है मॉक टेस्ट में कि जब आप क्वेश्चन की लैंग्वेज समझ के ऑप्शन पकड़ पाएं वो एक बेहतर चीज़ है। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलेंगे, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ प्रोडक्ट ऑफ लर्निंग। लर्निंग का एक प्रोडक्ट नहीं है, रिजल्ट नहीं है लर्निंग का, स्किल, मैचुरेशन, नॉलेज या फिजिकल स्ट्रक्चर। तो मैचुरेशन यहाँ पर रिजल्ट नहीं है, प्रोडक्ट नहीं है लर्निंग का, क्योंकि मैचुरेशन क्या है, लर्निंग क्या है, आप सीखते हैं ओवर द पीरियड ऑफ टाइम, आप एक्यूमुलेट करते हैं। लेकिन मैचुरेशन क्या है, एक टाइम पीरियड के साथ होता है। मतलब अगर मान लीजिए मैं आपको चलने के एक स्टेप्स बता दूँ, बहुत छोटे हैं जब आपको स्टेप्स दिखा दिए जाएँ, लेकिन अगर आप 6 महीने के हैं मान लीजिए, और आपकी जो मसल्स हैं, जो आपकी मैचुरेशन है, आप मैच्योर ही नहीं हुए, आपके जो हाथ पैर हैं, बॉडी है उस काम को करने के लिए, तो उस लर्निंग का कोई फायदा नहीं है। तो जो सी ऑप्शन है इसका राइट आंसर है मैचुरेशन। आगे चलेंगे, अ ग्रुप ऑफ स्टूडेंट्स आर फाउंड टू बी हैरेसिंग अनदर स्टूडेंट, व्हाट शुड बी योर रिएक्शन। मतलब एक ग्रुप है कुछ बच्चों का जो दूसरे बच्चों को परेशान कर रहा है, हैरेस कर रहा है, तो क्या करेंगे उनके साथ, पनिश कर देंगे उनको, पेरेंट्स के पास भेज देंगे, काउंसिल द स्टूडेंट्स, काउंसिल करेंगे, या गिव देम अ सीवियर वार्निंग, वार्निंग दे के छोड़ देंगे, काउंसिल करेंगे। आप सबसे पहले अपने हैंड पर जो काम करते हैं आप काउंसिल करेंगे, ना कि उनको पनिशमेंट या कुछ इस तरह का काम कर देंगे, ठीक है। सी ऑप्शन, व्हाट इज मेंट बाय स्कीमा, बहुत बहुत बढ़िया क्वेश्चन है। स्कीमा का क्या मतलब है, मैंने समझाया भी हुआ है कई बार आपको, चंकिंग मैकेनिज्म, कि आप चंकिंग मतलब जोड़ने का एक मैकेनिज्म है, जोड़ते जाओ। लर्निंग टेक्निक्स के सीखना कैसे है, इसकी टेक्निक्स हैं। ऑर्गेनाइज्ड पैकेट्स ऑफ इन्फॉर्मेशन स्टोर्ड इन लॉन्ग टर्म मेमोरी, या ऑर्गेनाइज्ड पैकेट्स हैं आपकी लॉन्ग टर्म मेमोरी में जो स्टोर हो जाते हैं, डिफेंस मैकेनिज्म है। ये मैंने आपको समझाया हुआ है। स्कीमा क्या है, आपके दिमाग में एक रूम है मान लीजिए आपका दिमाग, और उसमें डिफरेंट डिफरेंट पॉकेट्स हैं ऑर्गेनाइज्ड अलग अलग चीज़ों के लिए, जिसमें आपकी मेमोरी जो है स्टोर होती है, ठीक है। तो जो सी ऑप्शन है इसका राइट आंसर है स्कीमा, ठीक है। हाउ, आज के लिए लास्ट क्वेश्चन है, हाउ मेनी स्टेजेस ऑफ कॉग्निटिव डेवलपमेंट रिकमेंडेड बाय प्याजे। प्याजे के द्वारा कितनी संज्ञानात्मक विकास के चरणों का एक तरह से क्या कहें दिए गए हैं, तो 7 स्टेज, 6 स्टेज, 4 स्टेज या 2 स्टेज। 4 स्टेजेस हैं कॉग्निटिव डेवलपमेंट की प्याजे के द्वारा दी गई, जिसमें आपकी पहली स्टेज है सेंसरी मोटर, सेंसरी मोटर हो गई, प्री ऑपरेशनल हो गई, फिर उसके बाद आ जाता है कॉन्क्रीट ऑपरेशनल, देन फॉर्मल ऑपरेशनल। ये डिस्कस भी की हुई है। ये कुछ क्वेश्चंस थे आपके, कितने मार्क्स आए, कितने क्वेश्चन सही थे आपके, कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। कोई सजेशन हो, कोई और क्वेरी हो, जरूर लिखें, और वीडियो लाइक जरूर करके जाएं। एक नया इनिशिएटिव है, आप लोगों को पसंद भी आ रहा है। तो थैंक यू गाइज, कल मिलते हैं, और सभी चीज़ों के लिए सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए, बेल आइकन प्रेस कर लीजिए। थैंक यू गाइज, थैंक्स फॉर वॉचिंग, दिस वॉज हिमांशी साइनिंग ऑफ।